मंदसौर से किसान के खेत में हरे वृक्षों की कटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि खेत की जमीन को लेकर विवाद था, जिसके चलते सितंबर में फरियादी के पक्ष में आदेश सुनाया गया था, लेकिन एक बार फिर यह विवाद खड़ा हो गया है। मंदसौर के करजू ग्राम से एक मामला सामने आया है, जहां फरियादी मांगीलाल ने तहसीलदार मंदसौर कार्यालय में आवेदन पेश किया था कि उक्त कृषि भूमि उसके नाम है, जिसे लेकर गांव के ही तीन लोगों से उसका विवाद चल रहा है, जिसके बाद सितंबर में फरियादी मांगीलाल के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। लेकिन अब प्रार्थी मांगीलाल ने गणपत, अर्जुन, पर्वत सिंह और हीरालाल के विरुद्ध न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने और प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप में कहा है कि मेरे खेत पर हरे वृक्षों की कटाई की गई है। इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से भी की गई है। हमारी जमीन पे पेड़ पौधे और पौधे गए हैं और गेहूं और प्याज की फसल बर्बाद की गई है। सर, न्यायालय का आदेश का उल्लंघन किया गया है गणपत सिंह किशनलाल के द्वारा, और इसी विषय में हमने कल पुलिस थाने में भावगढ़ में आवेदन दिया है, लेकिन थाने के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए हम आज पुलिस अधीक्षक के सामने आवेदन प्रस्तुत करने आए हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।